स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए मैट्रिक्स मतलब आबयू का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आपसे कहना है कि पूरे क्लास को देखिए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो कीजिए और आप हमसे जुड़े रहिए। तो इसके पहले भी क्लास हुआ है, इस क्लास में टॉपिक का नाम है क्या चीज़, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या चीज, टू मैट्रिसेज। हिंदी भी बता रहे हैं आपको क्या है हिंदी, इसका हिंदी है दो आव्यूहों का योग एवं अंतर, दो आव्यूहों का योग एवं अंतर। देखिए, पूरा सीरीज को देखने का प्रयास कीजिए। आप मेरे कोर्स के बारे में जानने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो कोर्स के बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इसमें बढ़िया से समझाएंगे आपको, हर चीज़ समझाते हैं, बताते हैं, बस देखते चलना आपको। तो यहाँ पे क्या है कि आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज, मतलब दो आव्यूहों का योग एवं अंतर, जोड़ या घटाओ। देखिए उसको समझते हैं यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा, आराम आराम से समझाएंगे आपको। देखिए, लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे एम बाई एन, एंड और एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी बराबर बी आई जे एम बाई एन। एक चीज यहां गौर कीजिएगा, जब क्या हो, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना हो मतलब जोड़ना हो या घटाना हो, तो उसके लिए हमेशा ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। दो मैट्रिक्स वहीं जुड़ सकता है आपस में जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, घट सकता है जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे पहला बात क्या है कि हम लोग ए दोनों मैट्रिक्स के जोड़ को, एडिशन को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे ऐसे, और ए आई जे में क्या होगा, बी आई जे ऐड कर देंगे, और जो आंसर आएगा ना वो भी आंसर जो होगा उसका भी ऑर्डर, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन ही होगा। फर्स्ट बात थी। दूसरा बात समझते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी वही कहानी है, ए आई जे माइनस बी आई जे कर देंगे और दिस इज एम बाई एन हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? अब ये छोटा सा, देखिए जितना भाषा कम रहेगा उतना ही आपको कंसेप्ट अच्छा से समझ में आएगा। तो भाषा कम लिखना है, कॉन्सेप्ट जरा समझना है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक करके हम दे रहे हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कि इफ मतलब यदि, एक ऐसे लिखिए इफ को, ए इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव, है ना, एंड B इज इक्वल टू वन सेवन टू फाइव, ऐसे दिया गया है। तो आपको A प्लस बी और A माइनस बी निकालना है। यहां देखिए, तो इसलिए पहला में कह रहा है कि A प्लस बी बताइए क्या होगा, सीखे यहां पे। तो A का मान क्या है मैट्रिक्स में, एलिमेंट क्या है, टू थ्री फोर फाइव ऐसे, B में क्या है वन सेवन टू फाइव, देखते चलिए अच्छा से, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ऐड करना है, तो मतलब देखिए इसमें ये ऐड होगा, वन ऐड होगा, तो हम लोग तरीका से लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टू प्लस वन, संगत अवयव जोड़ेंगे थ्री प्लस सेवन, फोर प्लस टू और फाइव प्लस फाइव। अब थोड़ा गौर कीजिएगा रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर गौर करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे दो एक तीन, सात तीन दस, चार दो छः, पाँच पाँच दस, क्लियर।
कोई दिक्कत तो नहीं है, 3, 10, 6, 10 और यहीं क्या हो गया हमारा, a प्लस बी हो गया। तो a प्लस बी का जो फंडा है उसको आप समझ गए, बहुत ही आराम आराम से हम पढ़ाते हैं। आपको लगता है कि हम स्लो मोड में जा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस स्पीड को क्या कीजिए, आप थोड़ा फास्ट कर लीजिए। स्पीड फास्ट कर लोगे आप, सारा काम क्लियर हो जाएगा और तेज़ी में देख लोगे। लेकिन स्लो मोड जो पढ़ाते हैं उसका मतलब होता है कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, समझ रहे ना। तो बढ़िया से सारे लेक्चर्स, सारे टॉपिक, सारे कंडीशन आपको समझना है, तब जाकर मज़ा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए अच्छा से, अच्छा से समझिए ये कहानी क्या है यहाँ पे। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं हम लोग a माइनस बी का, मतलब a में से b घटाएंगे, तो a का क्या है बोलिए, क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और फिर माइनस b का कितना है, 1, 7, 2, 5 आ जाइए यहाँ पे, क्या होगा, 2 - 1, 3 - 7, 4 - 2, 5 - 5 चलिए ये जो है ना यहाँ पे क्या होगा, 3 ये होगा -4 ये होगा 2 ये होगा 0। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, समझ रहे ना। तो जोड़ने आ गया, घटाने आ गया, लेकिन अभी घबराइए नहीं, और भी कुछ सिखा रहे हैं आपको, उसको समझिए, एग्जाम्पल देंगे ना, सारा कहानी क्लियर क्लियर समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करने का प्रयास पक्का कीजिएगा, नोट करना बहुत ज़रूरी रहता है बढ़िया से कंसेप्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि वो लोग थोड़ा लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा, जितने दोस्तों में शेयर करेंगे हमें अच्छा लगेगा और हम भी मन से पढ़ाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जरा समझिए इस एग्जाम्पल का मतलब, ये जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं इसका मतलब है समझाना। इफ़ एक नया कॉन्सेप्ट, एक ए बराबर 2, 3, 4, 7 ये दिया है, धीरे धीरे बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है ना, और बी बराबर दिया है, एंड बी बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 7, 8। अब जरा बढ़िया से देखिएगा इसमें क्या चीज़ आपको नया मिलेगा, नया नहीं है, पुरानी बात को नया तरीका से समझेंगे। कह रहा है कि इज ए प्लस बी एंड और ए माइनस बी पॉसिबल, क्या यहाँ पे समझिए, क्या a प्लस बी और a माइनस बी पॉसिबल है, संभव है, इन बातों को भी जानना जरूरी है ना। अभी हमने क्या कहा कि देखिए यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है या नहीं पूछेगा, फिर भी समझिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। देखिए सिंपल बात है कि हमने कहा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा नो। अरे भाई नो कैसे हो गया आंसर इसका, जरा देखते हैं क्या है इसका मैटर। देखिए ए प्लस बी करना है, ठीक है ना, तो ए का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, हमको 2/2 मिलेगा, और बी का ऑर्डर क्या है, 2/3 मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा आंसर, क्या होगा लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब यही कहानी माइनस के साथ भी होता है, प्लस हो या माइनस हो, दोनों के साथ क्या होना चाहिए कि ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर जो आपका है बुआ, ये ऑर्डर जो दिख रहा है, ये ऑर्डर जो है ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम नहीं है यहाँ पे, नॉट सेम, इसलिए पॉसिबल नहीं है। जोड़ने घटाने के लिए क्या चाहिए आपको, दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा तो काम चलेगा, ये बात समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, हर एग्जाम्पल एक नया आपको कंसेप्ट देगा। कर है कि इफ यदि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया है। अच्छा बी इक्वल टू क्या दिया गया है, बी इज इक्वल टू 3, 4, 2, 6 ऐसे दिया गया है। कर है कि फाइंड देन
तब एक काम करें, फाइंड क्या चीज, ए प्लस बी प्लस आई, आई निकालें। अब देखिए जरा आई का मैटर क्या है यहाँ पे, इस आई को समझिए, फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। रिमेंबर, याद रखें आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 0 0 1, 2 by 2 ऑर्डर में, इसको हम लोग आई टू भी लिखते हैं, है ना। और आई इज इक्वल टू क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, आई थ्री भी लिखते हैं, इसको आई थ्री भी लिखने में कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी कहानी जो है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए सोल्यूशन देखा जाए, यहाँ पे क्या है बुआ, ए प्लस बी प्लस आई, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि ए का मान क्या है, 1 2 3 4, क्लियर। प्लस बी क्या होगा, बी बी तो दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है 3 4 2 6, राइट। और फिर देखिए आई में हमको ये लेना है कि लेना है, देखिए होगा तो दो ही, ज़्यादा यूजफुल दो ही है यहाँ पे, 2 by 2 का और 3 by 3 का, पूरा कहानी इसी पर आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको देखिए ए भी 2 by 2 में, ए भी 2 by 2 में, तो सियोर है कि भी आपको 2 by 2 वाला ही लेना पड़ेगा, तो 1 0 0 1, ये बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में चलना चाहिए सेटिंग, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे आइए तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1 + 3 4, 1 + 3 4 4 1 5, 5 होगा, 2 + 4 6 6 + 0 6, 3 2 5 5 हो जाएगा, 4 6 10 11 11 हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। तो ये जोड़ घटाओं का मैटर जो है आपको समझ में आ गया होगा, बट अब एक और चीज़ बताने जा रहे हैं, फिर उस पर क्वेश्चन आएगा जो घटा वाला। तो साधारण सा बात है कि जितना भी अच्छा से कॉन्सेप्ट समझिएगा उतना बेहतर तरीका से क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगी, उतना ही बेहतर तरीका से सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा आपका। चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, अदिश से गुना, अदिश के साथ गुना कर सकते हैं, अदिश से गुना, देखिए अदिश सदिश जानते हैं ना, वेक्टर स्केलर, उसी से यहां पे कॉन्सेप्ट को क्लियर हम बताने कराने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहां पे बात समझिए, यहाँ पे इस कंसेप्ट को भी जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे लेट मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू क्या चीज, ए आई जे एम बाई एन, ये मान लिया हमने ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, देयरफॉर के ए इज इक्वल टू, के का मतलब सभी एलिमेंट में के से गुना कर देंगे, के क्या है यहाँ पे स्केलर है, वेयर के क्या है स्केलर है, है ना, स्केलर है, और के इज नॉट इक्वल टू जीरो, और के क्या है जीरो के बराबर भी नहीं है। तो सिंपल सी फंडा है कि आपको ये बात समझना है के जीरो नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, यही कहानी। अब इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे तो और अच्छा लगेगा, तो इसमें एग्जांपल जो है उसको समझिए बढ़िया से। एग्जांपल देखिए क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, है ना, देन देन फाइंड, देन फाइंड पहला 2a 3a, तीसरा क्वेश्चन क्या है 4a,
और चौथा क्वेश्चन सेवन ए। अभी एक हम बनाएंगे, बाकी आप लोग तो ट्राई कर ही सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन भी देख लीजिए यहाँ पे आप लोग। ए इज इक्वल टू क्या है देखिए, 2, 3, 4, 5 है ना यहाँ पे। देयर फोर यहाँ पे नीचे लिखेंगे अच्छा रहेगा, देयर फोर 2a, 2a का मतलब क्या है, 2 से इस a वाले मैट्रिक्स में गुना करने जा रहे हैं, 4, 5 क्लियर। अब गुना कर लीजिए यहाँ पे, सभी एलिमेंट में गुना होगा, 2 दुना 4, 2 त्रिका 6, 4 दुना 8, 2 पचे 10 और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को बढ़िया से, इतना बात तो स्पष्ट आपको बुझा गया हो ना, इसमें कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं, राइट। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से इसकी कहानी क्या है, एक और देखिए सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। एक रिजल्ट देखिए यहाँ पे, रिजल्ट क्या है मतलब समझने के लिए जरूरी है आपको रिजल्ट। कभी भी मेरे क्लास को पूरा देखिए, छोटा छोटा क्लास करा रहे हैं, 22 से 25 मिनट तक करा रहे हैं, उसको देखिएगा और आपको बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक तरीका समझ में आपको आ जाएगा। रिजल्ट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए 4, यहाँ पे मान लीजिए कि दिया है 4, उसके बाद दिया है दूसरा, यहाँ दिया है 6, यहाँ दिया है 8, यहाँ दिया है आपको 14, ठीक है, ये दिया आपको, मान लीजिए इक्वल टू दिया है। तो अब थोड़ा ज़रा सुनिए बढ़िया से, इसमें अगर कोई चीज़ हम कमन करना चाहते हैं तो आप काम करेंगे पूरे एलिमेंट में, देखिए क्या कमन होने वाला है, ये भी 2 से कट जाएगा, 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 2 हम लोग यहाँ पे कमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 7 और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। मतलब आंसर क्या, क्वेश्चन तो था ही नहीं, मतलब कहने मतलब कि हम लोग इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप बात को समझ रहे हैं ना, क्लियर बात है कि कमन भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट याद रखिएगा हमेशा। तो ये सब बात हो गया, अब इसके बेस पर कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क में, उसको भी समझिए, बिल्कुल हबड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं, ना कोई हल्ला ना कोई तमाशा, कम टाइम में ज़्यादा कॉन्टेंट आपको दे रहे हैं। चलिए करें क्वेश्चन यहाँ लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है समझिए, करें कि इफ ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 ये हो गया अच्छा, और बी इज इक्वल टू 7, 2, 3, 4 ठीक है, देन तब फाइंड क्या निकालें समझिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन करें कि 2a + 3b आप बताइए, दूसरा देखिए 5a माइनस कर देता है यहाँ पे 2b राइट, तीसरा a - b, चौथा a + b और एक क्वेश्चन और 2a + 5b + 6i समझ रहे ना, सब चीज़ समझेंगे, समझा दिया आपको लगभग। तो एक हम बनाते हैं यहाँ पे, जोड़ा जाएगा तो आप ये बना सकते हैं, ये भी आपसे बन जाएगा, ये तो आसान है, दोनों को जोड़ना सिखाएं, और ये भी आई का मतलब वाला भी समझा दिए हम, तो ये समझ में आ जाएगा तभी आपका बन जाएगा। तो एक हम बनाएंगे, बाकी 4 का आप धैर्य उड़ाइएगा ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन किया जाए कि सोल्यूशन का मेन क्या है तरीका। चलिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पे, 2a + 3b, 2a + 3b क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, आइए जरा देखिए यहाँ पे 2a + 3b क्या कहता है, 2a का मतलब 2, 3, 4, 5 क्लियर, प्लस क्या है 3, अभी का मतलब 7, 2, 3, 4 चलिए यहाँ देखिए 2 दुना 4, 2 तिहाई 6, 4 दुना 8, 5 दुना
दस प्लस 3 7 21, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। आइए यहाँ देखिए बढ़िया से, अब सबको ऐड करेंगे, 4 1 21 25, 6 6 12, 8 9 17, 10 12 22। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ रहे ना। तो इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा देखिए, हमने कहा कि आपको ना ये 2 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, 3 नंबर नहीं बनाएंगे, 4 नंबर नहीं बनाएंगे, तो 5वां नंबर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउट लगे, तो हम आपको थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, ठीक है ना। 5वां नंबर का किसका सोल्यूशन करेंगे बाबू, 5वां का। देखिए 5वां में क्या है ना कि थोड़ा देखिए, 2a + 5b + 6i, बस करना कुछ नहीं ना। देखिए यहाँ पे 2, ए का मान क्या होगा, क्या रखेंगे मैट्रिक्स, 2 3 4 5 प्लस 5, बी क्या रखेंगे हम लोग, 7 2 3 4, और फिर हमारा 6, आई का मान निकालेंगे 2/2 में, रहे जरा 1 0 0 1। अब आप ही बताइए कि क्या सॉल्व करना आसान है कि नहीं है। 4 6 8 10 राइट हो गया, प्लस क्या 5 7 35 10 15 और 20, ये हो गया, और यहाँ पे 6 0 0 6, क्लियर। तो अब इसको ना आप खुद जोड़ लोगे, कितना 4 35 39 39 6 45, ऐसे करके जोड़ लेंगे ना आप, तो इतना काम तो आप खुद कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो फिर अगले क्लास में हम लोग आगे का क्लास देखेंगे, आगे कंसेप्ट देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पढ़े स्केलर द्वारा, अब पढ़ने वाले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स में गुना कैसे होता है, क्या कंडीशन होता है, और कैसे गुना करके हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, सारी बातें अगले क्लास में पढ़ने वाले हम लोग। तो अगर अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोर्स के बारे में जानने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, सब कुछ आपको साफ साफ क्लियर क्लियर बताई जाएगी, आपका भविष्य आगे बनता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।